Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. But you know, the सवाल मैं आपको पूछ रहा था, which is very important, कि you know, you come from Haryanvi family and Haryanvi have a certain swag about themselves. जो कि मुझे लगता है, I have few friends from there. In fact, मैं जब दिल्ली में था, तो थोड़े थोड़े का जब मैं hosting कर रहा था, वहाँ पे जो है, मैं हरियाणा का friend था. आपके ना बीच बीच के वर्ड्स गायब हो जा रहे हैं. अरे अरे, आई एम सेइंग दैट व्हाट इज दैट वन थिंग व्हिच हरियाणवी पीपल हैव व्हिच रेस्ट ऑफ द इंडियंस डू नॉट हैव. ओहो यार, इसमें सबसे पहले बहुत ही बेसिक चीज, लेकिन उनके हरियाणवी लैंग्वेज. सो मैं वो जो एक्सेंट है, द वे दे स्पीक, मतलब ऑफ कोर्स आई कैन स्पीक टू, मतलब जो हम हरियाणवी जिस एक्सेंट से और जिस वो एक भारीपन के साथ बोल पाते हैं ना, वो अगर आप सीखोगे भी तो भी नहीं बोल पाओगे. छोरी लाइफ जावेगी क्या आज, तो यू नो, सो वो नहीं आ पाया. सो मैं अभी देख रही थी, मैंने मूवी देखी थी इंग्लिश मीडियम. सो उसमें इंग्लिश मीडियम ही थी ना, ओ शिट, नहीं, सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दी, कोई और मूवी थी, थप्पड़, सॉरी थप्पड़. मेड होती है वो हरियाणवी लैंग्वेज. तो मैं देख रही थी कि इतनी सॉलिड हरियाणवी कैसे कोई बोल पा रहा है, मतलब इतनी सॉलिड कैसे सीखी. तो मैंने देखा कि अच्छा, उनका हरियाणवी ही बैकग्राउंड है. मैंने पूरा सर्च किया, मैंने कहा इतने अच्छे से, इतना सही एक्सेंट और ये सब कैसे बोल पा रही है. सो यस, मुझे लगता है वो हरियाणवी एक्सेंट. एंड उसके बाद हमारा खाना, यू नो, बिल्कुल देसी खाना, दूध, देसी दही, सब्जियां, सब कुछ फ्रेश फ्रेश फ्रेश. बट यू नो, यू मेंशन्ड अ वेरी नाइस पॉइंट, एक्सेंट है या फिर ये खाना. तो आई एम प्रीटी श्योर गाइस, आप लोग खुद को ना कनेक्ट करके एक्सेंट को हरियाणवी एक्सेंट में कन्वर्ट कर शुरू हो जाइए. सो इससे पहले जो मेरा शो था ना, वो हरियाणवी था. सो क्या था ना, बाकी सब लोग क्योंकि हरियाणा से नहीं थे, तो वो थोड़ा बना के बोलते थे, जैसा सिखाया जाता था. ऑफकोर्स हमारे कुछ में सिखाया भी जाता था वहाँ पे, लेकिन मुझे तो आता था, तो मैं इतनी ज्यादा बेसिक और इतने सही वाले हरियाणवी वर्ड्स बोलती थी. मेरे को प्रोड्यूसर आके बोलते थे, किसी को समझ में नहीं आ रहा है भाई, आप नॉर्मल हिंदी बनो, नॉर्मल हिंदी बनो. हाँ, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा. मैंने कहा ओ, तो मैं तो प्रॉपर हरियाणवी बोलती हूँ. मुझे लगता है अच्छा, तो बताओ कौन सी लाइन सिखाओ. एनीथिंग दैट यू वांट मी टू डू. ये शुभजीत के डिंपल्स, डिंपल्स बहुत क्यूट है, तो मैं ये हरियाणवी में बोलती हूँ ना. तो शुभजीत, ये जो डिंपल पड़े हैं ना, ये गड्ढे गणेश सुथरे लगे हैं. ओह माय गुडनेस, ये सुन के मैं हरियाणवी सीखूं या मैं ब्लश करके मर जाऊं, मैं वो सोच रहा हूं. थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉम्प्लीमेंट, बट यू नो, थोड़ा बहुत हरियाणवी आपको लग रहा है. एक और सवाल जो मेरा आपसे है, फैमिली, यू कम फ्रॉम पार्ट ऑफ द कंट्री और दैट पार्ट ऑफ द कंट्री कीप्स, आई डोंट लिव इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, देयर आल्सो वेरी टफ. सो द वुमेन आउट देयर, व्हाट लव अबाउट हरियाणवी वुमेन आउट देयर, इट्स सो टफ, कम मेन थिंक 50 टाइम बिफोर मेसिंग विद देम. सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एटीट्यूड दैट एवरीवन शुड हैव. बट ये हरियाणा की लड़कियों में पता नहीं होता, ये पंगा उठा नहीं लेंगे. ये जो इमेज है, वो रीजन बिहाइंड दिस इमेज ऑफ हरियाणा. अच्छा, तो क्योंकि आवाज कट रही थी, तो इसलिए मैंने बीच बीच में जो समझा है, वो ये समझा है कि आप बोल रहे हो कि हरियाणवी से कोई बहुत जल्दी पंगे नहीं लेता है, ऐसा ऐसा कुछ बोला ना. एक्चुअली द वुमेन, दे आर वेरी स्ट्रांग. हाँ, मतलब मैं अपने केस में नहीं बोलूंगी कि मैं वैसी हूँ, मेरे घर में मेरी बहन वैसी है. सो मुझे याद है कि कई बार क्या होता था ना, वो एक होता है ना लड़कों का, कि तुम एक्टिवा पे जा रहे हो, तुमको बाइक पे फॉलो करेंगे ट्यूशन से घर तक, स्कूल से घर तक, तो वो चलता होता था. सो मैं और मेरी बहन आते थे, है ना. सो वो हमें ट्यूशन से घर तक छोड़ने आते थे पीछे पीछे लड़के. तो मैं तो चुपचाप, मैं ऐसे इग्नोर करके, क्या ना, डरी हुई कि ओ शिट, पता नहीं क्या बोल देंगे, क्या कर, ऐसे बड़े डरी. और मेरी बहन तो ऐसे चप्पलें वप्पलें निकाल के, बाजे है कि बताऊं, ऐसा बोलते थे. मैंने कहा दूसरी गली तक भी नहीं दिखेगा लड़का. सो वो बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे, लेकिन मैं तो बड़ी, सॉरी, अगर वन सिस्टर इज अ बिट मेलोड डाउन एंड that kind of an attitude, so balance, you know, that, otherwise,
परेशानी हो जाएगी फिर। हमारे घर में ऐसे रहता था, लेकिन अब बिल्कुल ऑपोजिट हो गया है। सो पहले ऐसा था कि मैं ऐसे रहती थी एंड वो तो मतलब बात लगाती थी सबकी, अब उल्टा हो गया, मैं आगे खड़ी होती हूँ, वो पीछे पीछे आ रही होती है, अच्छा मुझे नहीं जाना है घर से बाहर। सब लोग आपको पसंद करते हैं, वेरी पॉपुलर कैरेक्टर जो कि बहुत ही पसंद किया जाता है इस में। बट एक बात मुझे personality bolia whatever, this transition is not easy, especially for people from outside, theek hai, jiska background nahi hota hai, jiska background nahi hota hai, it's very difficult for those people to establish. So especially for women, I say that especially for more difficult. So anything challenging that you faced when you were starting your career over here, which you faced, obviously you came out strong from there, which is why you're working the way you are doing right now. But any interesting challenging situation that you faced at that point of time, which probably you were not familiar with, anything that of that type? क्योंकि मैं हरियाणवी फैमिली पर इसे एकदम टिपिकल जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ ना, एंड क्योंकि किसी ने हमारी पूरी फैमिली में किसी ने भी सोचा भी नहीं होगा ऐसे एक्टिंग वैक्टिंग के बारे में, इंडस्ट्री में और कुछ और क्रिएटिव जॉब के बारे में भी नहीं है ना। सो बेसिकली एक वो माइंड सेट था कि इस इंडस्ट्री में तो जाना ही नहीं है, लोग पता नहीं कैसे होते हैं, वो अलग दुनिया से आते हैं, वो एलियंस होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं, वो एक माइंड सेट था ना। सो इसलिए क्योंकि ऐसा था तो सब लोगों को मेरे लिए भी मना ही था, तो मैंने तो कभी खुद भी नहीं सोचा था, मुझे लगता था कि नहीं जब कोई और नहीं सोच रहा तो मैं भी नहीं सोचूंगी। तो मैंने भी वही सोचा था, लेकिन शायद डेस्टिनी थी, तो हर दिन जब मैं चंडीगढ़ थी तो कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा था जो मुझे खींच रहा था इस सारी इंडस्ट्री की तरफ, इन सब चीजों की तरफ। सो सबसे मेजर चैलेंज यही था कि अपने पापा को, अपने रिलेटिव्स को कैसे मनाना है, उनको कैसे कन्विंस करना है। और सच बताऊं आज तक ऑफकोर्स पापा तो पूरे तरीके से कन्विंस हो गए, नाउ तो ही इज वेरी वेरी हैप्पी, लेकिन अभी तक भी मेरे रिलेटिव्स दे आर नॉट वेरी मच कन्विंस्ड। उनको कहीं ना कहीं कुछ ना मैं सुनती होती हूँ, कई बार मम्मी कहीं जा रही है, कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है कि नहीं ऐसा हो गया होगा गलत, मतलब कुछ ना कुछ, तो वो अभी पूरी तरीके से कन्विंस नहीं। तो सबसे मेजर मेरा स्ट्रगल मुझे लगता है यही रहा है कि किस तरीके से अपनी इस फैमिली को समझाया जाए कि जो तुम सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं है। सो ऑफकोर्स अब मम्मी पापा तो उनको तो समझ में आएगी क्योंकि वो बहुत बार शूटिंग पे आ चुके हैं, मेरे साथ बहुत बार रह चुके हैं, सो नाउ तो दे आर रियली ओके, दे आर वेरी हैप्पी, लेकिन बाकी सबको अभी भी समझना थोड़ा बाकी है। सो या वो हरियाणवी माइंड सेट, वो टिपिकल एकदम, या वो वाला स्ट्रगल सबसे ज्यादा था। बट आई मस्ट टेल यू समथिंग अबाउट व्हेन यू से समथिंग लाइक दैट, यू नो एट द एंड ऑफ द डे कनिका, व्हाट मैटर्स इज आवर ओन इंडिविजुअल सेंस ऑफ माइंड एंड हैप्पीनेस। अगर आपको अपने काम से वो मिल रहा है, इफ योर पेरेंट्स आर हैप्पी विद दैट, यू आर पर्सनली हैप्पी व्हेनेवर यू गो टू वर्क ऑन दैट सेट एंड यू फील वेरी रिफ्रेश्ड, यार आज ये काम करने को मिलेगा, पांच लोग जाकर उनको चीज में देखेंगे, आई थिंक दैट्स अ फीलिंग इन इट्स ओन राइट व्हिच इज वेरी ब्यूटीफुल। So if you are getting that peace of mind and satisfaction, nothing comes ahead. कि अपने मम्मी पापा तो साथ में होने चाहिए, तो जब तक नहीं थे तो मुझे कुछ भी करके ना वो सेटिस्फेक्शन, वो कितने लोग प्यार कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो दो लोगों का प्यार नहीं मिल रहा ना कुछ मिसिंग था। सो वो जब हो गया ना, तो उसके बाद से मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा मुझे और करना है। So, yeah. Nothing needed. Those are the equivalent to the entire world. Your mother and your father is equivalent to the entire world. You don't need anything. There are fans out there, but what else do you need? You don't need anything else. But you know, I must ask you this thing. You know, बचपन में एवरी ह्यूमन बीइंग एडहुड एंड देन आगे जाके जैसे कि मैं, मेरे में चेंजेस बहुत आए, मैं बचपन में भी बहुत ही ज्यादा नफरत का पता चला, अभी भी ऐसा ही है। Is there any change that has happened in your life which you surprised कि यार ये तो बचपन में अभी ऐसे कैसे हो गई, ऐसा कुछ चेंज हुआ है जिंदगी में? तो वैसे तो मैं भी सेम ही थी, नटखट सी टाइप, आज भी वही हूँ। बाकी हाँ, तो ये चेंज आया ना कि मैं बहुत ज्यादा ऐसी सी थी कि बहुत ज्यादा किसी को आंसर नहीं करती थी, थोड़ी दबी दबी सी रहती थी, ऐसे बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी, अभी भी हूँ लेकिन बहुत ज्यादा थी। सो वो ऑफकोर्स चेंजेस आए हैं, अब मैं दे देती होती हूँ आंसर एंड मुझे पता होता है कैसे। पहले तो बहुत डर के, किसी का फोन भी आया ना घर में, मुझे होता था यार आप लोग बात करो, मुझसे बात नहीं होगी। चेंज मुझे लगता है बहुत बड़ा आया है, एंड वो हम दोनों की लाइफ में, मेरी बहन की लाइफ में उल्टा आया है कि वो बहुत ज्यादा बोलती थी, अब कम बोलने लगी है। मैं बहुत कम बोलती थी ना, मैं बहुत ज्यादा बोलने लगी हूँ। सो यस, ये वाला चेंज आया। बाकी और एक और चेंज आया, मैं पहले एकदम प्योर वेजिटेरियन थी एंड मतलब पूरे अपने
पूरी लाइफ एंड अभी कुछ दिन पहले मैंने थोड़ा थोड़ा नॉन वेज खाना स्टार्ट किया. तो वो थोड़ा थोड़ा नॉनवेज जो है कमिंग अलोंग विद द आंसर प्यारा मुस्कुराहट कुछ थोड़ा थोड़ा नॉनवेज थोड़ा थोड़ा नॉनवेज आप खा रहे हो. अभी इन दिनों कुछ नहीं खा रही हूँ. सो मेरे सेट पे क्योंकि सब लोग ही नॉनवेज खाते रहते हैं ना, सो मैं उनके टिफिन से थोड़ा थोड़ा खाने लगी थी. जैसे टेस्ट जैसे चिकन खा ली, फिश खा लिया. जैसे उन लोगों ने मुझे खिलाना स्टार्ट किया तो मुझे लगता ओके मैं मिस कर रही हूँ. सॉरी. सो इट इज सेल्फ सर्विस दैट वे. यहां तक ऐसा हम लोग स्कूल में भी करते थे ना. मैं तो चुरा लेती थी टिफिन. मैं बहुत ही बुरी थी स्कूल में. मैं लोगों की नोटबुक्स चुरा लेती थी, टिफिन चुरा लेती थी, सबको ऐसे चीजें चुरा लेती थी. I can relate. I'm telling you, I think that is a good reason why I can relate. You know, खाना बोलो या फिर खा लेना कभी कभी all these things. I think these are really interesting memories of that. कभी मम्मी लाइव बोली ना कि मैं टिफिन्स चुरा लेती थी, मेरी मम्मी चल के आई और ऐसे देख रही है कि तुम क्यों बोल रही हो लाइव पे. मम्मी मम्मी मेरा प्रणाम आपको एंड आई थिंक यू हैव रेज्ड अ लवली लवली डॉटर. शी इज लव्ड बाय थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल. सो आई एम सेइंग ऑल द गुड स्टफ अबाउट योर डॉटर. मुझे भी थोड़ा आशीर्वाद दे देना प्लीज ताकि जिंदगी में आगे बढ़े. मेरा भी बहुत है बट आई थिंक मम्मी ये सोच रही होंगी कि तेरे को जरूरत क्या पड़ती थी. मैं तेरे को जो देसी घी के पराठे देती थी वो क्या कम थे.